केंद्रीय चयन परिषद द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा में बुधवार को भागलपुर में दो मुन्ना भाई को दूसरे छात्र के बदले परीक्षा देते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी 2 राकेश कुमार ने मामले को लेकर बताया कि मिर्जानहाट उच्च विद्यालय में शिव कुमार नामक युवक अपने दोस्त बांका तारडी निवासी चंदन कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था, जबकि दूसरा युवक निवास कुमार सूरज देवी मिश्री लाल मिर्जानहाट माध्यमिक उच्च विद्यालय में अपने भाई मुंगेर निवासी रवि कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। वहीं डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस ने शहर के जोगसर थाना क्षेत्र में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के समीप कदाचार की योजना बनाते 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी दी है। जारी किए गए बयान में बताया गया कि 3 युवकों को मोक्षदा स्कूल के पास संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया था। इस दौरान जब उसके मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें कई छात्रों का प्रवेश पत्र पाया गया था, जिसके बाद पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर गिरोह के अन्य 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। किसी लागू से विद्यालय माध्यम जो है वहाँ पर एक व्यक्ति जो है ये अपने दोस्त अपने भाई के बदले फिर को छुप गए थे। इनका नाम है कि का नाम है शिव कुमार, दूसरे का नाम है निवास कुमार। तुम कहाँ के हैं? एक तो रहने वाले हैं, एक रहने वाले हैं आपका यहाँ भाई का सबोर रहने वाले हैं और दूसरा रहने वाले हैं आपका मुझे किया गया। इस पर हमारी परीक्षा जो होते हैं जो भागलपुर नगर निगम सभागार में बुधवार को सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। इस दौरान बैठक में सभी वार्ड के पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान ज्यादातर पार्षदों ने सफाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्षदों ने कहा कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में गंदगी फैली हुई है, लेकिन सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है और इस मामले में केवल खानापूर्ति की जा रही है। वहीं सफाई के खराब हालात को देखते हुए महापौर ने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया और सफाई एजेंसी को हटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकांश विकास योजनाओं को सामान्य बोर्ड की बैठक में पास कर दिया गया है और उन्हें जल्द से जल्द अमल में भी लाया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान पार्षदों ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की और नगर निगम क्षेत्र की सफाई के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि सफाई एजेंसियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसे हटाकर नई एजेंसी को शामिल किया जाएगा, ताकि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। महापौर ने कहा कि निगम की ओर से विकास योजनाओं को अमल में लाने के हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिससे शहरवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके। सामान्य बोर्ड की बैठक थी तो ये लंबा चलता है और 2 बजे से थी ये बैठक और साधारणतया ये 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार किसी कारण से 2 बजे से स्टार्ट हो पाया तो इसलिए लंबा चला। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, मेन मुद्दा था सफाई। सफाई पे एजेंसी को हटाने के लिए ये पारित हुआ, पहले भी पारित हो चुका है लेकिन इस बार फिर से ये पारित हुआ कि उसको हटाई जाए, क्योंकि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये निर्णय लिया गया कि जितने भी होटल रेस्टोरेंट विवाह भवन है सबसे अलग अलग उसका रजिस्ट्रेशन हो और सबसे पूरा उठाने के लिए अलग वार्ड प्रभारी अलग उसका इंतजाम हो, उसकी गाड़ी अलग हो और इस तरह करके महापुरुषों का भी जहाँ जहाँ जिस महापुरुष है और वहाँ पे उसकी सफाई करनी है तो वो भी उसी के साथ हो और वार्ड अलग हो, वार्ड की सफाई अलग हो। इस पर चर्चा नाले की उड़ाही के लिए हमने प्रस्ताव डाला है कि डाला था कि 5 लेबर हर वार्ड में होना चाहिए केवल नाले उड़ाही के लिए, तो वो प्रस्ताव पारित हो गया है। तो अब से 5 लेबर हर वार्ड में
नाले उराई के लिए रखे जाएंगे, तो हमको लगता है कि बहुत हद तक इस भागलपुर सबौर थाना के थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल लगातार सुर्खियों में है। ताजा मामला डायल 112 पुलिस टीम के ड्राइवर के साथ मारपीट करने का है। इसको लेकर डायल 112 की पुलिस टीम ने बुधवार को पुलिस लाइन में जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को 112 पुलिस टीम का ड्राइवर अमित कुमार, जो सबौर थाना क्षेत्र में ही पदस्थापित है, जब सबौर थाना पहुंचा तो थाना प्रभारी से ड्यूटी करने को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद सबौर थाना प्रभारी विवेक जायसवाल और थाना के मुंशी के साथ 3-4 और सिपाही ने मिलकर ड्राइवर अमित कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेकर पूरे जिले के डायल 112 की टीम भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के पास अपना फरियाद लेकर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर ड्राइवर अमित कुमार ने कहा कि 3 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अमित कुमार ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान भी सबौर थाना प्रभारी को जब हमने बोला था कि रात में ड्यूटी करने में परेशानी होता है, थाना में अतिरिक्त पुलिस है, 1-2 पुलिस हमें दे दिया जाए, तो उस समय भी उन्होंने मेरे साथ डांट फटकार किया था। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व भी वारंटी को पकड़ने के लिए जब सबौर थाना प्रभारी वारंटी के घर पहुंचा था तो वहां वारंटी की मां को भी जमकर पीटा था। मैं सिपाही अमित कुमार यादव सबौर थाना का ERB ड्राइवर हूँ। हाँ, मेरे साथ मारपीट हुआ सबौर थाना के अंदर में, उसी का कम्प्लेन करने के लिए यहाँ पे आए थे SHO विवेक कुमार जायसवाल, और एक दूसरे साइड में जो पकड़ रखा था वो वहाँ का मुंशी हैं, और बाकी सिपाही वगैरह जिनको वो बुलाए, सिपाही वगैरह जो आया वहाँ पे, तो उनका तो नाम वगैरह नहीं जानता हूँ। सिपाही वही ड्यूटी के दरमियान का ही कारण है सर, कि जैसे पीछे भी ड्यूटी में हुआ था जो उनसे, जिसका उनको था, इलेक्शन के बाद से हमने अभी तक थाना की तरफ नहीं गए थे, वो जब परसों गए ना वो ऐसा किया करके, क्योंकि हम उनसे दूरी बना के रहते थे, जाएंगे उधर तभी गाली गुली सुनेंगे, जब इन्हें करेंगे किस लिए गाली सुनेंगे। पहले भी ऐसे हुआ था एक बार इलेक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे भी रिपोर्ट वगैरह हुआ था सर को, तो उस टाइम पे तो सर बोले थे ठीक है मैं आपको 2 चौकीदार देता हूँ, इलेक्शन का टाइम है तो मैन पावर का प्रॉब्लम है, तो आप अभी ड्राइवर भी अधिकारी भी हैं, टैप भी देखिएगा और केस को हैंडल कीजिएगा और कोई रिपोर्ट ना आए बाबू। मैं बोला ठीक है साहब जी, अगर जवाबदारी देते हैं तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। तो मैं 10 दिन तकरीबन लगता है कि अपने चौकीदार के भरोसे केस वगैरह भी देखा तीनों ड्राइवर मिल करके, और रात वगैरह में अभी कोई ड्राइवर नहीं, एक PTC रहता है, अभी 3 ड्राइवर हैं, वो जो डेंजर एरिया उस साइड का रात को अगर कॉल आता है तो मैं अपना जो ड्राइवर रेस्ट में है उनको डर से लेके जाता हूँ कि आपके एरिया में आए आप चलिए, नहीं तो हमको मार देगा। थाना की तरफ से आप लोग को कहीं कुछ नहीं? अभी आए कहाँ? अभी SP सर से मिलने आए थे, नीले आश्वासन लेटर अप्लीकेशन दिए, वो फॉरवर्ड किए 3 दिन के अंदर, बोले इसका मेरे टेबल के ऊपर चाहिए करके, हाँ चेक करके, क्योंकि हाँ। याराना भक्त मंडल भागलपुर द्वारा गुरुवार से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। दरअसल इस यात्रा में लगभग 50,000 श्रद्धालु भागलपुर से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। दरअसल यह कांवड़ यात्रा वर्ष 2011 से लगातार आयोजित हो रही है और इस बार भी विशेष आयोजन की तैयारी है। याराना भक्त मंडल के अश्विनी जोशी मोंटी ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार का कांवड़ यात्रा विशेष रहेगा। इस यात्रा में शामिल भक्त भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही गोलीबारी और हत्याओं को बाबा बासुकीनाथ शांत करे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जगह जगह सुरक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था भी यात्रा के दौरान सुनिश्चित की गई है। प्रेस वार्ता में याराना भक्त मंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। विशेष तौर पर जो बांग्लादेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है, पूरा बांग्लादेश जल रहा है, उसमें हमारे हिंदू भाई परेशान हैं, मंदिर को जलाया जा रहा है, हम बाबा से यह अर्जी लगाने जा रहे हैं कि बांग्लादेश का माहौल शांत हो और बांग्लादेश में जो हिंदू वहां पर करोड़ों की संख्या में वहां हिंदू रहते हैं और भारत में रहने वाले भी 29,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शरणार्थ वहाँ पर काम या अन्य चीज़ों के लिए बांग्लादेश में रहते हैं, उनकी सुरक्षा की कामना हम ईश्वर से भी करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि सरकार यथाशीघ्र बांग्लादेश के मुद्दे पर
स्टैंड ले और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय का प्रतिकार हो और हिंदू सुरक्षित रहें, क्योंकि यह पूरा वसुधैव कुटुंबकम के नीति के साथ पूरा देश और पूरा विश्व एक हो, हिंदू सुरक्षित रहे, यही कामना करें। बुधवार को भागलपुर समरणालय के समीक्षा भवन में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति के क्रियान्वयन संबंधी क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय प्रसार कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक विकासशील देश के रूप में हमारी विकास की गति विकसित देशों की तुलना में अधिक होनी चाहिए, लेकिन कार्बन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे सड़क और भवन निर्माण जैसे कार्यों में जलवायु अनुकूल शैली को अपनाएं ताकि विकास सतत रूप से हो सके। इसके अलावा उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य पर्यावरण अनुकूल शैलियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। जबकि वरीय उपसभार्ता भागलपुर कृष्ण मुरारी ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों और उनके सुधारात्मक उपायों पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस साल की ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक तापमान के कारण बिहार अत्यधिक मौसमी घटनाओं और आपदाओं के प्रति अति संवेदनशील है। कार्यशाला का संचालन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के वैज्ञानिक नलिनी मोहन सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भागलपुर के निदेशक दुर्गा शंकर ने किया। इस मौके पर आरटीए सेक्रेटरी वारिस अली खान, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद सहित कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।